अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है दैट इज पेरिफेरल न्यूरोपैथीज। पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो है ये एक डिसऑर्डर है, इट्स अ डिसऑर्डर ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। डिसऑर्डर है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। इसमें पेरिफेरल नर्वस जो है वो इफेक्ट हो जाते हैं। इसमें पेरिफेरल नर्वस इफेक्ट होता है वो पेरिफेरल इसमें पेरिफेरल मोटर नर्वस इफेक्ट हो जाते हैं, पेरिफेरल सेंसरी नर्वस एंड ऑटोनॉमिक नर्वस इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। जो पेरिफेरल नर्वस है, ये पेरिफेरल नर्वस क्या करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन टू ऑल ऑर्गन्स। ये कनेक्ट करते हैं टू अदर ऑर्गन्स पेरिफेरल नर्वस। इसमें ये पेरिफेरल नर्व जो है ये ट्रांसमिट करते हैं, मोटर नर्व जो है मोटर इम्पल्सेस ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम द ब्रेन एंड सेंसरी इम्पल्सेस टू द ब्रेन, रिले सेंसरी इम्पल्सेस टू द ब्रेन। नाउ पेरिफेरल न्यूरोपैथीज में होता क्या है, पेरिफेरल न्यूरोपैथीज में पेरिफेरल नर्व जो है वो पेरिफेरल नर्व डैमेज हो जाती है और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इम्पेयर होता है सेंसेशन, इम्पेयर्स मूवमेंट, इम्पेयर्स ग्लैंड एंड ऑर्गन फंक्शन। लेकिन ये डिपेंड है कि कौन सी पेरिफेरल नर्व जो है वो इफेक्टेड है। फॉर एग्जांपल अगर सेंसरी पेरिफेरल नर्व इफेक्टेड होगी तो सेंसेशन इसमें इम्पेयर हो जाएगी, या अगर अदर ऑर्गन अदर पेरिफेरल नर्व इन्वॉल्व है तो अदर ऑर्गन की फंक्शन जो है वो इम्पेयर हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज द पेरिफेरल न्यूरोपैथी। और पेरिफेरल न्यूरोपैथी में जो होता क्या है, इसमें वो नर्वस इफेक्ट हो जाते हैं, वो नर्वस डैमेज हो जाते हैं जो आउटसाइड ब्रेन होते हैं एंड स्पाइनल कॉर्ड, और जिसकी वजह से दैट कॉजेस वीकनेस। तो उसकी वजह से वीकनेस होती है और उसकी वजह से नंबनेस होती है। जो पेरिफेरल नर्व इफेक्टेड होगी तो उस एरिया में वीकनेस होती है, नंबनेस होती है एंड पेन। और यूजुअली इसमें इन्वॉल्व होते हैं यूजुअली हैंड्स एंड फीट। इसमें यूजुअली हैंड्स और फीट इन्वॉल्व हो जाते हैं एंड इट कैन आल्सो इफेक्ट अदर एरियाज ऑफ द बॉडी। लेकिन मेनली इसमें वो नर्व्स इफेक्ट हो जाते हैं जो सेंसेशन देते हैं, जो मूवमेंट इम्पल्सेस देते हैं, मोटर इम्पल्सेस देते हैं, दैट इज द हैंड एंड द फीट। और इसमें अदर आल्सो इफेक्टेड अदर एरियाज ऑफ द बॉडी आर ऑल्सो इफेक्टेड, लेकिन मेनली इसमें इन्वॉल्व है दैट इज हैंड एंड फीट। न्यूरोपैथी में न्यूरोपैथी इफेक्टिंग जस्ट वन नर्व, अगर न्यूरोपैथी में एक नर्व इफेक्ट हो जाएगी दैट इट इज कॉल्ड एज मोनो न्यूरोपैथी। इसमें एक नर्व जो है वो एक ही नर्व डैमेज हो जाती है, देन इट इज कॉल्ड एज मोनो न्यूरोपैथी। नेक्स्ट वन, व्हेन टू और मोर नर्व सेल्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी द बॉडी आर अफेक्टेड। अगर एक से ज्यादा नर्व सेल्स वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में अफेक्ट हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, देन इट इज कॉल्ड एज पॉली न्यूरोपैथी।
called as polyneuropathy. Now, causes of peripheral neuropathy. पेरिफेरल न्यूरोपैथी में नर्व डैमेज हो जाती है और उसके मनी काजेस है. दिस इंक्लूड काजेस क्या क्या है, एक तो ऑटो इम्यून डिजीज. अगर क्लाइंट को ऑटो इम्यून डिजीज होगी, फॉर एग्जाम्पल रिमेटाइड आर्थराइट्स या गिलेनबर्ग सिंड्रोम, या क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी पॉलीन्यूरोपैथी. अगर क्लाइंट को ऑटोइम्यून डिजीज है तो चांसेस है क्लाइंट को न्यूरोपैथी होने की. नेक्स्ट वन डायबिटीज. अगर पेशेंट डायबिटिक होगा तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस है नर्व डैमेज होने की, या तो फीट या तो हेड नर्व सॉरी. नेक्स्ट वन कॉजेज दैट इज डायबिटीज. डायबिटीज डायबिटिक पेशेंट में चांसेस है न्यूरोपैथी होने के. क्यों? क्योंकि ड्यू टू लॉस ऑफ ग्लूकोज, जब ग्लूकोज नहीं मिलता है किन को नर्व सेल्स को, तो उसकी वजह से नर्व जो है वो डैमेज हो जाते हैं. तो दैट कॉजेज द न्यूरोपैथी. नेक्स्ट वन इज इन्फेक्शन. अगर पर्सन को इन्फेक्शन होगा, या फॉर एग्जाम्पल वायरल इन्फेक्शन होगा तो उसकी वजह से भी नर्व डैमेज हो जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो उसकी वजह से भी, या पेशेंट को डिप्थीरिया है तो उसमें भी चांसेस है न्यूरोपैथी होने की, लेप्रोसी है या एचआईवी इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी न्यूरोपैथी होने की चांसेस है. नेक्स्ट वन इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स. अगर पर्सन को इनहेरिटेड डिसऑर्डर होगा तो उसमें भी चांसेस है न्यूरोपैथी होने की. अदर काजेस आर दैट इज, इसमें अगर पर्सन को ट्यूमर्स होंगे, चाहे वो मेलेग्नेंट होगी या नॉन मेलेग्नेंट होगी, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, कैन डेवलप उस ट्यूमर की वजह से नर्व पे प्रेशर पड़ जाता है, नर्व कंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से नर्व को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलती है और नर्व जो है पेरिफेरल नर्व जो है वो डैमेज हो जाती है. अदर काज अदर डिजीजेस, फॉर एग्जाम्पल अगर किडनी डिजीज होगी या लिवर डिजीज होगी या हाइपोथायरॉयडिज्म होगा. नेक्स्ट वन, अगर पर्सन अल्कोहल इंटेक करता होगा तो उसमें भी, या लैक ऑफ विटामिंस, विटामिन डिफिशिएंसी तो उसकी वजह से भी होता है. एक्सपोजर टू पॉइजंस, इसमें इंडस्ट्रियल केमिकल उसकी वजह से, हैवी मेटल्स सच एज लेड मर्करी तो उसकी वजह से भी नर्वस डैमेज हो जाते हैं, या मेडिकल मेडिकेशंस की वजह से. अगर पर्सन को कैंसर वगैरह होता है तो पर्सन को हम कीमोथेरेपीज देते हैं तो उन कीमोथेरेपीज की वजह से भी न्यूरोपैथी हो जाता है. दीज आर द काज. सो नेक्स्ट वन इसमें काज हुआ दैट इज ट्रामा, या प्रेशर ऑन द नर्व. ट्रामा या तो व्हीकल की वजह से हो जाता है तो नर्व पे प्रेशर पड़ जाता है, या नर्व इंजरी हो जाती है, या नर्व ब्रेकडाउन हो जाती है तो उसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, या फॉल की वजह से, या सपोर्ट्स इंजरी लग जाती है तो उसकी वजह से. दीज आर द कॉज ऑफ द पेरिफेरल न्यूरोपैथीज. नाउ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेरिफेरल न्यूरोपैथी. इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या है, इसमें पर्सन को बर्नस हो सकते हैं और स्किन ट्रामा हो सकता है. बर्न एंड स्किन ट्रामा क्यों हो सकता है, क्योंकि इसमें पेशेंट माइट नॉट फील टेम्परेचर. इसमें क्या होता है, इसमें पेशेंट जो है पेशेंट को पता ही नहीं चलता है चेंज इन टेम्परेचर, या पेशेंट को पेन के बारे में पता ही नहीं चलता है, और जिसकी वजह से, और इसमें यूजुअली नंबनेस होती है जिसकी वजह से फिर पर्सन को बर्नस हो सकता है और स्किन ट्रामा हो सकता है. नेक्स्ट वन इसमें इन्फेक्शन हो जाते हैं. इन्फेक्शन किसकी वजह से,
इंजरीज विदाउट नोइंग, पेशेंट को इंजरीज लगती है मगर फील ही नहीं होता है क्योंकि इसमें सेंसरी नर्व जो है वो इम्पेयर हो जाती है जिसकी वजह से पेशेंट को नमनेस होती है और ब्रेन को सेंसेस ही नहीं मिलती है दैट इंजरीज विदाउट नोइंग. तो पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाती है तो इंजरी लग जाती है और उसके बाद इन्फेक्शन हो जाता है. फॉल, नेक्स्ट वन जो है फॉल, दैट इज इसमें पेशेंट को लैक ऑफ बैलेंस होता है तो उसकी वजह से पर्सन को फॉल हो सकता है और एंड सेंसेशन, पेशेंट को सेंसेशन भी नहीं होती है और जिसकी वजह से फिर पर्सन को फॉल्स हो सकते हैं. दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द पेरिफेरल न्यूरोपैथीज़.